यह अहम खबर देखिए। चीन के सरकारी अखबार ने उगला जहर, मर्डर के एक घंटे के भीतर ग्लोबल टाइम्स पर लिखा गया। दक्षिणपंथी भड़क जाएंगे, जापान के दक्षिणपंथी जंग कर सकते हैं, आर्थिक संकट और सामाजिक मतभेद तक का दावा किया गया। अभी शिंजो अबे के बारे में यह बताया जा रहा था कि वो गंभीर रूप से जख्मी है, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है कि वो रिकवर कर जाएं। और उसी दौरान जबकि उनकी अभी डेथ अनाउंस नहीं की गई थी, ग्लोबल टाइम्स ने यह मानते हुए कि वो इस दुनिया में नहीं है ये बात कह दी कि वहां दक्षिणपंथी भड़क जाएंगे, उनको एंटी चाइना एजेंडा चलाने का मौका मिल जाएगा। वहां की इकोनॉमिक क्राइसिस के बावजूद वहां अब एक खास तरह की एजेंडा टोइंग होने लगेगी और इसे जस्टिफाइड तरीके से आगे ले जाया जाएगा, क्योंकि वहां इस बात का जस्टिफिकेशन रहेगा कि ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शिंजो अबे को मार डाला गया। शिंजो अबे की सांसें थमी, चीन में कितनी खुशियां मनी जरा देखिए। शिंजो की हत्या से जापान के दक्षिणपंथी भड़क जाएंगे, ग्लोबल टाइम्स ने लिखा तब, जबकि यह कहा जा रहा था कि क्रिटिकल है, लेकिन तब डेथ अनाउंस नहीं हुई थी। कहा गया कि स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने की कोशिश होगी, और जाहिर है क्वाड का निर्माण ही इसीलिए हुआ था। और क्वाड का जो स्वप्न दृष्टा कहा जाता है वो शिंजो अबे को ही कहा जाता है, उन्होंने ही असल में यह सपना सबसे पहले देखा कि इस तरह का कोई मजबूत गठजोड़ बनाया जाए जो इंडो पैसिफिक में लगाम लगा सके चाइना की अंधी महत्वाकांक्षा पर। क्वाड में सक्रिय भागीदारी की भी पूरी कोशिश की जाएगी। शिंजो अबे के नहीं रहने पर इस बात को एक एजेंडा के तौर पर जापान बढ़ा सकता है, यह कहा गया ग्लोबल टाइम्स की तरफ से। यह भी कहा गया कि वहां की जो पैसिफिस्ट आर्मी है, अब जो सेल्फ डिफेंस ग्रुप कहलाती है, वहां पर असल में आर्मी लाज जाएगी फुल फ्लेजेड संविधान में संशोधन के द्वारा। पूर्वी एशिया में नेटो के प्रवेश को बढ़ावा देने पर भी विचार होगा, यह बात कही गई। यह भी कहा गया कि आर्थिक सामाजिक मतभेद के बीच युद्ध भी शुरू करा सकते हैं। जापान के शांतिवादी संविधान में बदलाव को बढ़ावा मिल सकता है। चीन अमेरिका के साथ जापान की विदेश नीति पर भी प्रभाव पड़ेगा। शांतिवादी संविधान वही पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जिसके तहत वहां पर सेल्फ डिफेंस का अभी तक हवाला है, आर्मी का हवाला नहीं है। हम इस पर ज्यादा बातचीत के लिए चलेंगे अपने मेहमानों के पास और उनसे समझेंगे कि इससे पहले मैं इस चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा ब्रजेश सर, ये क्या आपको भी लगता है कि सबके पीछे चाइना हो सकता है? बहुत ही पेचीदा सवाल है, इस वक्त इसका जवाब दे देगा। लेकिन ये सही है कि जब उनके ऊपर गोली लगी थी तो ग्लोबल टाइम्स ने खुशियां जाहिर की है दो विषयों में खासकर। पहला, एबिनॉमिक्स को लेकर के उन्होंने मजाक उड़ाया कि वो तो जापान की अर्थव्यवस्था ठीक कर रहे थे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे थे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था। और दूसरा, स्ट्रेटेजिक विषयों पे लेके एससीएफ के बारे कि जापान के अंदर शिंजो एबे ने जो काम किया था बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली रहा था। अगर हम हिस्ट्री देखें 1945 से लेकर के अभी तक जापान में करीब 60-65 प्राइम मिनिस्टर्स रहे होंगे और सबकी अवधि रही है कुछ महीने, एक साल या दो साल तक। उसमें एक दिग्गज नेता निकलते हैं, वो शिंजो एबे थे, जो दो बार में, एक दफा एक साल से ऊपर और दूसरा दफा करीब 8 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहे। ये बात सर हाईलाइट करनी बहुत आवश्यक है, ये आपने बहुत अहम बात कही है, 9 साल तक। और वो अकेले ऐसे नेता थे जो 9 साल तक जापान के प्रधानमंत्री के तौर पर जिन्होंने सर्व किया था। और अगर उनकी उनके उनकी तबीयत उनका साथ देती, उनका स्वास्थ्य उनका साथ देता, तो शायद वो और भी लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहते। मतलब जापान के सबसे दिग्गज नेता को किसने गोली मारी है? क्या ये ड्रैगन्स विश है? यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं।